तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरे किचन गार्डन में मिर्ची जो है इस बार जो है वो गोल लगी थी, तो लाल हो चुकी हैं। तो इसको जो है जो जो लाल लाल हो चुकी हैं उसको हम इस बार जो है वो तोड़ लेंगे। काफ़ी तीखी मिर्ची होती है ये गोल किस्म की जो मिर्ची है, तो इसको सुखा लेंगे। और पीछे जो मैंने कुछ मिर्ची का इसका अचार भी डाल लिया था, पर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा तीखी है, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मल आप खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिर्ची, मतलब 10 मिर्चियों के बराबर एक मिर्ची है ये गोल। तो जो जो रेड हो चुकी है उसका तुड़ान जो है अब हम कर लेंगे। इस बार लास्ट टाइम मेरे पास एक ही पौधा था इन मिर्चियों का, तो जितनी भी मिर्चियाँ लगी थी मैंने सब सारा का सारा जो बीज था वो इस बार बीज दिया था। और काफ़ी पौधे थे मेरे पास जो कि बरसात में ख़राब हो गए, जो कुछ बचे हैं वो काफ़ी हैं, ये कई साल चल जाते हैं, कम से कम ये 5-6 साल जो है वो पौधा टिका रहेगा। इसकी कटिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे और ये काफ़ी मोटा तना होता है इसका, नॉर्मल काफ़ी पौधा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये पौधा है, इसकी कटिंग यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से जो है नए पौधे जो है लगने, नए पौधे नहीं कोंपले लग सकती हैं यहाँ से। यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं निकल रही हैं, तो यहाँ से जब मिर्ची ये पूरी रेड हो जाएंगी और तो थोड़े दिनों के बाद जब टाइम आएगा इसकी काटने का तो हम काट देंगे इसको। फिर यहाँ से जो है पौधा आप देख सकते हैं नॉर्मल मिर्ची से ये कितना मोटा तना इसका होता है। अभी ये पहली बार लगाया है ये पौधा, तो कुछ सालों के बाद ये और मोटा हो जाएगा अगर टिकेगा तब। तो और भी मिर्ची है, चलिए आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ। ये कुछ पौधे जो हैं वो घर की बैक साइड भी लगाए थे, जो कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ डब्बों में लगाए थे। तो कुछ पौधे यहाँ पे भी है और कुछ ज़मीन में लगाए थे, तो डब्बों वाले भी ये टिक चुके हैं। Thank you.